तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है टीवीएस स्पोर्ट बाइक, और इस बाइक का मॉडल अलग है। जैसे कि हमारे पास ये बाइक है टीवीएस स्पोर्ट, हमारी जो बाइक है उस बाइक से ये मॉडल अलग है। मैं आज इस बाइक के वायरिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि वायरिंग आर्मेचर कॉइल से लेके हैंडल तक किस तरीके से काम करता है, इसका आरआर यूनिट, सीडीआई, मास्टर कॉइल ये किस तरीके से वर्क करता है, कौन सा वायर किस काम में आता है, इसके कलर के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ इस आर्मेचर कॉइल से। बिल्कुल दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने अपलोड किया था एक वीडियो, उसमें पूरी तरीके से मैंने समझाया, उसी प्रकार मैं इस बाइक का भी बताऊँगा। और इस तरीके से आने वाली जितनी भी बाइक होगी, मैं सभी बाइक की जानकारी दूँगा, आर्मेचर कॉइल से लेकर हैंडल तक पूरी जानकारी दूँगा पूरे वायर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता पाऊँगा कि इस बाइक में दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल नहीं है। ठीक है, इस बाइक के इस मैग्नेट में स्टार्टिंग कॉइल आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इसमें आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल यानी कि लाइटिंग कॉइल है, और दो तरह का वायर काम करता है। चलो मैं टॉपिक सीधा आता हूँ, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ सीधा डायरेक्ट इस सॉकेट के ज़रिए से। तो जहाँ तक देख सकते हैं कि ये जो सिंगल वायर है, ये एक पिकअप कॉइल के लिए वायर होता है। इस वायर को अगर खोल देंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। एक तरफ से समझो ये किल स्विच की तरह भी काम करता है। कहीं भी बाइक को खड़ी रखते हैं 2 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए, तो अगर इस सॉकेट को खोल देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है और कहाँ पे क्या फॉल्ट है, आपकी बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी। तो ये पिकअप कॉइल का वायर है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं कि 3, 2, 5 वायर इस सॉकेट में है, इस ब्लू वाले में 5 वायर है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू वाला वायर है, ब्लू के साथ थोड़ी सी येलो मिक्स है, तो ये अर्थिंग में आ जाता है। ठीक है, अर्थिंग यानी कि मतलब न्यूट्रल लाइट के लिए आ जाता है। और यहाँ से इसका देख सकते हैं, इसका जो कलर है दोस्तों, इसका कलर ऊपर में आके चेंज हो गया है। ठीक है, ऊपर में आके देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। तो ये वाला जो वायर है दोस्तों, ये न्यूट्रल लाइट के लिए है, और इसमें रेड और वाइट जो कलर मिक्स है, ये वाला रेड और रेड वाइट, ये आ जाता है हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए। ठीक है, ये बैटरी चार्जिंग के लिए ये रेड और वाइट, और पूरा ये जो येलो कलर का है, ये लाइटिंग के लिए काम करेगा। ये येलो कलर का लाइटिंग के लिए काम करेगा, ये देख सकते हैं ये वाला। और ब्लैक वाला जो वायर होता है, ये बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। और साथ में ये जो साथ में दोस्तों ये वाला जो वायर मिला हुआ है, तो यहाँ पर यहीं तक है, ये आगे ये वायर नहीं गया है। तो ये वाला जो वायर होता है दोस्तों, ये पिकअप कॉइल में गया है, जो कि इससे अर्थिंग डायरेक्ट ऊपर से अर्थिंग दिया गया है, बीच में कहीं भी जोड़ नहीं है। और उस बाइक में जो होती है स्पोर्ट पुराने वाले में, बीच में ही जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे इसमें क्या क्या ऊपर से ही ला के इस सॉकेट से ही अर्थिंग दे दिया है। तो साथ में ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों पिकअप कॉइल में जाता है, यानी कि ये अर्थिंग है, ये दोनों अर्थिंग है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक बता दिया। अब इधर देख सकते हैं, इसका जो कलर है, यहाँ से कलर में चेंजिंग आया है। जैसे कि इधर से वाइट और रेड है, तो यहाँ पे आके यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वाइट को कम कर दिया और रेड को ज़्यादा कर दिया। इधर वाइट ज़्यादा है, रेड कम है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेड में जो थोड़ी सी वाइट है, ये वाला जो वायर है दोस्तों, डायरेक्ट आ गया इसके आर आर यूनिट में, रेगुलेटर में। जो ये वाला वायर है दोस्तों, ये रेगुलेटर में आ गया, और इधर से रेगुलेटर में जाके उधर से जो वापस करंट देता है, ये प्योर लाल वाला जो तार है, प्योर ये दूसरा वाला जो रेड है, ये चला जाता है हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए। और बैटरी चार्जिंग के लिए इसके बाद फिर दोस्तों यहीं से एक बैटरी चार्जिंग में और दूसरा स्टार्टिंग के लिए काम करेगा। आगे भी मैं आपको पूरा बताऊँगा, प्रोसेस बताऊँगा आगे क्या है। तो मैंने चार्जिंग कॉइल के बारे में इधर बता दिया मैंने कि बैटरी चार्जिंग के लिए इस तरीके से। अगर मान के चलो अगर आपकी बाइक की बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट पहले यहीं से चेक करेंगे इस वाले वायर में करंट आना चाहिए। अगर यहाँ से चेक नहीं करेंगे तो इस फ्यूज खोलें, यहाँ से फ्यूज को डायरेक्ट चेक करें, बॉडी से टच करें, अगर इसमें करंट नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से चेक करना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी कट इन करा इस जगह, जैसे कि इधर से अंदर गया है रेगुलेटर में, अंदर की तरफ गया है इसका पहले करंट, और वापस जो आता है इसमें आता है, इस दूसरे वाले में आता है। तो यहाँ से थोड़ी सी कट करके आप बॉडी में टच करेंगे तो यहाँ पे करंट शो करेगा, और यहाँ भी नहीं आता है तो दोस्तों आपका रेगुलेटर ख़राब हो गया, आपको इसे चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब लाइटिंग की बात करते हैं। अब ये जो पीला वाला तार है दोस्तों, येलो और वाइट थोड़ा सा जो मिक्स है इसमें, ये चला जाता है लाइटिंग के लिए, और ये भी रेगुलेटर में जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं इधर आके थोड़ी सी चेंज हो गई कलर, ऊपर से जो आया है इधर अंदर की तरफ थोड़ी सी कलर चेंज हो गई, इसमें वाइट और येलो दिया है, लेकिन इधर आके येलो और रेड में शामिल कर दिया। ठीक है,
तो इधर से ये वाला वायर दोस्तों इस रेगुलेटर में चला गया और उधर से वापस जो करंट आएगा लाइट जलाने के लिए, जो लाइट को कंट्रोल करने के लिए जो काम करता है दोस्तों, तो वापस इस वाले वायर में आएगा, जो एक अर्थिंग और दूसरा ये वाला वायर येलो और वाइट, ये दोनों लाइटिंग के लिए काम करेगा। अगर लाइटिंग की समस्या आ जाए तो यहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे तो वापस अगर इधर करंट नहीं आता है तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ भी इधर भी आके दो वायर निकला हुआ है। यहाँ से इसका जो तार है दोस्तों कलर का चेंज कर दिया है, इसका वायर कलर का चेंज कर दिया है। तो इधर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर निकला है और इधर कुछ इस तरीके से वायर निकला है, कलर इसका चेंज है। तो आप यहाँ से ध्यान देना है कि इस तरह इस कलर का वायर कोई भी अगर फॉल्ट अगर आ जाती है तो वाइजर में अगर चेक करेंगे तो इस कलर का वायर ही चेक करेंगे। तो चलो मैंने यहाँ का सारी चीज़ बता दिया, अब आगे की ओर बताते हैं आपको। और भी जो वायर है दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग के लिए जो सेल्फ है दिया गया है, सेल्फ का ये पूरा वायर है। और साथ में इधर देख सकते हैं ये सेल्फ के स्विच का ये वाला सॉकेट है सेल्फ के स्विच का, और ये रिले है, ये रिले है, और यहाँ फ्यूज है इधर। और वापस मैं आगे उस तरफ जाता हूँ, CDI और ये जो मास्टर कॉइल है साथ में जो मिला हुआ है, ये इसका कनेक्शन किस तरीके से है ये चीज़ें जान लेते हैं। अब हमारे बाइक स्टार्टिंग के लिए यहाँ से CDI और साथ में मास्टर कॉइल दोनों इसके साथ में हैं। इधर देख सकते हैं आधा हिस्सा इधर CDI का है और साथ में इधर ये मास्टर कॉइल का है। देखिए ये मास्टर कॉइल है, इधर CDI का है, तो दोनों साथ में ही आता है। अगर ये किसी भी तरीके से अगर मास्टर कॉइल ख़राब हो जाए या फिर CDI ख़राब हो जाए तो आपको पूरा चेंज करना होता है। तो ज़्यादा तो जहाँ तक दोस्तों है इसमें कि फॉल्ट जो आती है वो मैं CDI का ही आती है, तो इसके लिए हमें पूरा चेंज करना ही पड़ता है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस ये वाला काम किस तरीके से करता है। अब देखिए ये वाला जो सॉकेट है दोस्तों, इस तरह का ये ब्लू वाला जो सॉकेट है, इसमें एक रेड और इसमें थोड़ा, तो इनमें से ब्लू वाले सॉकेट में जो दो तार है दोस्तों ये आ जाता है रेगुलेटर से, ये रेगुलेटर से चला जाता है CDI में। ये CDI के लिए ये दोनों तार हैं, एक अर्थिंग के लिए और दूसरा जो चार्जिंग कॉइल से DC वाला करंट आएगा वो ये वाला दोनों तार है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला ये जो रेड है ये और इधर अर्थिंग, ये दोनों रेगुलेटर से आ जाता है बाइक स्टार्टिंग के लिए। अब ये वाला जो सॉकेट है रेड में जो दो सॉकेट है दोस्तों, और ये आ जाता है पिकअप कॉइल के लिए, जो पिकअप कॉइल का भी वायर इसी में जाता है। तो ये दोनों वायर दोस्तों पिकअप कॉइल के लिए काम करेगा, ये दोनों। और साथ में इसमें भी एक देख सकते हैं कि ये वाला जो कलर है, ये वाला जो सॉकेट दोस्तों, इनमें से दो वायर है, एक वायर यहाँ पे आ जाता है ये इकोनॉमी के लिए, ये इसमें जो मीटर में दिया गया इकोनॉमी पावर जो हम रेस लेने के पर ये काम करता है, यहाँ पे एक सॉकेट आता है, एक किट आता है उसी के जरिए से ये काम करता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है ये इकोनॉमी के लिए। अगर बाय द वे आपके बाइक में करंट की समस्या आ जाती है और आपको लगे कि हमें CDI कैसे चेक करना है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से चेक इस तरीके से करेंगे कि आपका यहाँ तक करंट आता है कि नहीं आता, इस रेड वाले वायर में करंट आना चाहिए रेगुलेटर से। उसके बाद वापस जो उधर से करंट आता है दोस्तों, यहाँ तक अगर करंट आ रहा है और इसके बाद इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप समझ पाएंगे कि हमारा जो ये CDI है ये ख़राब हो गया है। तो यहाँ तक मैं इधर बता चुका हूँ, और भी इधर कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। और ये वाला सॉकेट देख सकते हैं, ये सॉकेट मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ का है। अब यहाँ पे जो ये वायर है ग्रीन और साथ में वाइट ब्लैक, तो इनमें से दो वायर यहाँ पे फॉल्स में देख पा रहा हूँ, बीच में यहाँ पे फॉल्स है, खाली है। जिस तरीके से यहाँ पे दो सॉकेट खाली दिया गया है उसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे चार सॉकेट है और साथ में इसमें दो सॉकेट है। ये हमारे हिसाब से इसलिए दिया गया है कि अगर बाय द वे इसकी जो दूसरा वाला मॉडल अगर हम लगाना चाहें इसमें CDI यानी कि पूरा किट मास्टर कॉइल का, तो हम दूसरा मॉडल का भी लगा सकते हैं। इस तरह कनेक्शन थोड़ा बहुत दिया गया है इसमें। अब हम वाइजर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे सारे सॉकेट के बारे में बताऊँ, कॉम्बिनेशन स्विच और है जो मीटर का पूरा किट है, मीटर में जो लाइट जलती है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम सेल्फ वाले स्विच से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ में बैक लाइट का जो स्विच है, बैक लाइट बल्ब जलाने के लिए एक ये वाला स्विच है, तो इसका जो वायर है
यहाँ पे ये वाला वायर है, ये वाला वायर। अगर बैक लाइट अगर नहीं जलता रहो, आपको लगे कि ये स्विच हमारा ख़राब है या सही है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं दोनों वायर। इसमें डबल दोनों वायर को शॉर्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और साथ में इसका सेल्फ वाला, ये सेल्फ वाला स्विच का है, ये वाला, ये दोनों सेल्फ स्विच का है जो यहाँ से रिले में गया हुआ है डायरेक्ट। आपको यहाँ से अगर सेल्फ स्विच यानी कि सेल्फ काम नहीं कर रहा और आपको लगे कि सेल्फ के स्विच में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस दोनों को अगर टच करेंगे, एक वायर लेकर दोनों को शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा स्विच ख़राब है या सही है। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन स्विच की जानकारी देता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन स्विच है ये किस तरीके से काम करता है, लाइट के लिए, पासिंग लाइट के लिए और हॉर्न के लिए, इंडिकेटर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अंदर से जो वायर आया हुआ है, ये वाला सॉकेट, ये वाला सॉकेट अंदर से आया हुआ है और अंदर से लाइट जो जलता है लाइटिंग के लिए, ये वाला तार गया हुआ है लाइटिंग के लिए, मैंने जैसे बताया था वहाँ पे शुरू में। तो ये वाला लाइटिंग के लिए आता है। अगर लाइटिंग की समस्या अगर हो गई आपकी बाइक में, तो डायरेक्ट अगर चेक करना है तो यहाँ पे ये इस वाले तार में करंट आना चाहिए। अगर इसमें नहीं आता तो फिर आगे फॉल्ट होगी, जैसे कि रेगुलेटर या बीच में कोई तार टूट फूट जाना। तो ये वाला लाइटिंग के लिए अंदर से आता है और ये वाला हॉर्न के लिए आता है, ये वाला हॉर्न के लिए। दोस्तों ये वाला आता है फ्लाशर के लिए, जो यहाँ पे ये फ्लाशर है, यहाँ देख सकते हैं इसका फ्लाशर में जो दो कलर का वायर है, ये तो डायरेक्ट एक बैटरी से कनेक्शन आता है, बैटरी वाला कनेक्शन ये डायरेक्ट रहता है, और ये वाला इंडिकेटर के स्विच से होता है। तो दोनों मैंने बता दिया, ये लाइटिंग के लिए, ये फ्लाशर के लिए, और ये भी लाइटिंग के लिए होगा, ये अर्थिंग के लिए ब्लैक, और ये पूरा ग्रीन जो है ये आ जाता है हॉर्न के लिए, यहाँ देख सकते हैं। और ये वाला दोस्तों मैं इसे देख लेता हूँ, और ये वाला वायर पासिंग लाइट के लिए जाएगा, जो ये पासिंग लाइट काम करेगा, और ये भी दोस्तों इनमें से दो तार ऐसे हैं जो हम इसके हेडलाइट को, लाइट को जो हाई लो बीम करते हैं उसके लिए ये दो वायर इसमें मिल जाता है। और साथ में ये दोनों जो वायर है दोस्तों, ये इंडिकेटर का है, जो लेफ्ट राइट में इंडिकेटर करते हैं उसका है। और ये देख सकते हैं ये हमारा ये सॉकेट आ जाता है हेडलाइट के, हेडलाइट में। अब मैं आपको मीटर के बारे में बताता हूँ, मीटर में कौन कौन सा वायर काम करता है, जैसे इंडिकेटर है, पासिंग है, ये सारे चीज़, न्यूट्रल वगैरह, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये वाला दोस्तों मीटर का है, ये वाला सॉकेट मीटर का है, देख सकते हैं। तो इनमें से ये वाला जो वायर है, ये वाला देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब गुलाबी कलर का जो मिला हुआ है, ये आ जाता है इकोनॉमी के लिए, ये इकोनॉमी लाइट जलने के लिए, जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से साफ देख पाएंगे। ये जितने भी वायर है दोस्तों, इसके कलर के हिसाब से आप पता कर लेंगे यहाँ पे कि कौन सा कलर किस काम में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं अब इसके बारे में सारी बातें नहीं बता पाऊँगा। तो ये पूरा इसका जो कलर है, यहाँ से कलर आप चेक कर पाएंगे कि ये जो सभी जो इसमें बल्ब का सॉकेट जो लगा हुआ है, जो होल्डर लगा हुआ है, इसे आप डायरेक्ट यहाँ से पता करेंगे। जैसे न्यूट्रल लाइट है, अब न्यूट्रल लाइट के सीधे में कौन सा प्लग है, तो ये वाला प्लग है। तो इसमें देख सकते हैं कि न्यूट्रल लाइट के लिए ये दो वायर है, ये वाला वायर है। तो इसी तरीके से आप यहाँ के वायर को कलर देखकर अब यहाँ से पता करें। कोई भी अगर लाइट नहीं जलता तो डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें करंट आता नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। बस हमें इतना ही बताना था। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।